आप हैं श्री शिव रतन भावुका जी, फर्म शिवा टेलीकॉम। आप लोकल टेलीफोन एक्सचेंज का व्यवसाय करते हैं। आप सन 1987 से नया बाजार दिल्ली में कार्यरत हैं। आप सरल स्वभावी, वाणी में माधुर्य, ईमानदार छवि, अनुशासित व्यक्तित्व के रूप में लोकप्रिय प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। इन्हीं समस्त कार्यों को देखते हुए अपने 54 वर्षों के आधार पर व्यापारिक व सामाजिक कार्यों में रत अमर ज्योति डायरेक्टरी एवं जैन संजोग पत्रिका के संपादक श्री हनुमानमल जैन गोलछा आपको अग्ररत्न की उपाधि से विभूषित करते हुए आदरणीय व्यापारी भाइयों से हनुमानमल जैन गोलछा का सादर नमस्कार। व्यापारी भाइयों, जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि कुछ महीनों से मेरा नया बाजार व्यापारी भाइयों में अभिनंदन आभार प्रकट करने का कार्यक्रम चल रहा है और बहुत उत्साह के साथ व्यापारी भाइयों में उत्साह है और मुझे भी अभिनंदन आभार प्रकट करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। इस कड़ी में आज मैं उस व्यक्ति से, उस शख्स से, उस भान हस्ती से, ऐसे व्यक्ति है जो सेवा में लगे हुए हैं, व्यापार में लगे हुए हैं, सामाजिक है और राजनीति भी हैं, बल्कि राजनीति करते रही है, समझते सब कुछ है, करते रही हैं और बिहार से चल करके दिल्ली में विराजमान हैं। और जब से मैं देख रहा हूँ आज नया बाजार, खारी बावली, चांदनी चौक, जितनी ये सेवाएँ दे रहे हैं, कमाल की सेवाएँ हैं। वो सेवाएँ उस समय से दे रहे हैं जिस समय टेलीफोनों की बड़ी भारी दिक्कत चलती थी, वो दिन मुझे याद है। टेलीफोन लगने में सालों लग जाते थे और ये 3 दिन में लगा के टेलीफोन लगा के खड़ा कर देते थे। तब से इनकी सेवाएं चल रही है और आज उनका नाम है आदरणीय श्री शिव रतन जी भावुका जी, जो बिहार के रहने वाले हैं और दिल्ली में विराजमान हैं। उनसे आज साक्षात कर रहा हूँ और आपसे उनसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने दिल्ली में कब आए, कैसे आए, समाज के बारे में, व्यापार के बारे में अपने विचार दे रहे। आदरणीय शिवतन जी भावुका जी, सादर नमस्कार। थैंक यू। आज व्यापारी भाइयों को जरा सा अपना उद्गार देने की वो करें, कृपा करें कि आपने कैसे अपना ये शिवा टेलीकॉम की भावना कैसे जगी, व्यापार से निकल के इसमें कैसे आए, ये व्यापारी भाइयों की देरी कृपा करें। मेरा परिवार राजस्थान से बिलोंग करता है। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री चिरंजी लाल जी 100 साल पहले जमशेदपुर गए थे, टाटा नगर, अब वो बिहार झारखंड में है, पहले बिहार में था और वहाँ हमारा व्यवसाय है, दाल मिल है हमारी। और फिर काम जैसे जैसे बढ़ते गया, मैं 1987 में दिल्ली में एक हमने काम शुरू किया और 1996 में मैंने शिवा टेलीकॉम के रूप में टेलीफोन की सेवा नया बाजार में देना शुरू किया और अभी मेरे पास 1000 कस्टमर हैं जिनको मैं सेवा देता हूँ नया बाजार में। और कोशिश करता हूँ कि बढ़िया से बढ़िया सर्विस दूँ और कम से कम रेट में दे पाऊँ। हमारा बैकग्राउंड अनाज से ही है, दाल मिल है हमारी जमशेदपुर में और यहाँ मैंने दाल मिल के वास्ते ही यहाँ से माल खरीद के भेजता था मैं। 1987 में हमने यहाँ पर ये फर्म चिरंजी लाल सागरमल शुरू करी और अब जो है, वैसे मैंने जमशेदपुर से ग्रेजुएशन किया है और फिर LLB करी है वहीं से 76 में और भाई साहब का बहुत स्नेह है। तो मेरा एक ही कंसर्न है व्यापारियों के बारे में, हिंदुस्तान की तरक्की के बारे में, कि हिंदुस्तान में सब कुछ खनिज पदार्थ और भगवान की बहुत कृपा है, मगर हम
बहुत पीछे हैं डेवलपमेंट में। इसका कारण जब मेरे को मैं ढूंढने निकलता हूँ क्या कारण है, यहाँ के व्यापारी बहुत मेहनती, बहुत साहसी, कम प्रॉफिट में काम करने वाले लोग हैं, तो मेरे को यही समझ में आता है कि सरकार का अगर यहाँ की नीति ऐसी बने कि जो व्यापारियों के हित की सोचे, उनके काम में, उनको काम में बढ़ावा मिले, तो हम जापान और किसी भी देश से आगे जा सकते हैं। हमारे यहाँ टैलेंट है, हमारे यहाँ सब कुछ है, खनिज पदार्थ भी है, सब कुछ है हमारे पास। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि अब हमारे मोदी साहब इस बात पे ध्यान देंगे, कम से कम हमारी टाइम सरकारी कार्यों में पूरी ना हो, हम काम में लगें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आज अगर हमारा टाइम ज़्यादा सरकारी रिटर्न देने में, उनका ही ये करने में हम लोग को टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो व्यापार करने के लिए टाइम कम बचता है। तो प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, हम कंपटिटिव हो, हमारा माल एक्सपोर्ट हो और फॉरेन से हमारी डॉलर की इनकम बढ़े, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। हम कच्चा लोहा बेच करके कमाएं, वो हमारी नीति नहीं होनी चाहिए। हमारी नीति होनी चाहिए कि हम कच्चा लोहे का कंप्यूटर बना करके बाहर भेजें, या ऐसी चीज़ बना करके बाहर भेजें जो कॉस्टली चीज़ें हैं, वो हम बना करके भेजें। और हमारे यहाँ सब कुछ है, सिर्फ सरकार की नीतियों के कारण जो है हम लोग अभी तक पीछे हैं, मेरा यही मानना है। और भाई साहब, बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, आपने कम से कम मेरे को मेरी बात बोलने का मौका दिया। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। हाँ। आपने सरकार की तरफ से, व्यापारी भाइयों की तरफ से हित के लिए बोला, और हमेशा ही आपने हित के लिए कार्य किया है, ऐसा मैं मानता हूँ। आज आपको सम्मान करके मैं अपनी तरफ से, अमरज्योति डायरेक्टरी की तरफ से, जैन सदो पत्रिका तरफ से, पूरी टीम की तरफ से मैं आपका अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद भाव जी, नमस्कार। थैंक यू।